वन के सब्सक्राइबर 4000 आवर्स का वॉच टाइम अगर हमारे चैनल पे नहीं होता है तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होता और हम यूट्यूब से पैसे नहीं कमा पाते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो कि आपके चैनल को ग्रो करने में आपकी मदद करने वाला है और आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी पूरा करके देगा और चैनल को मोनेटाइज करके आपको पैसे भी कमवाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता बस इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो, आज की इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। सो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं मैं स्क्रीन पर और इस वीडियो को आज कंप्लीट देख लो, 100% कहता हूं आपके चैनल को ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा, यूट्यूब आपकी वीडियोस को वायरल नहीं कर रहा, बस इस वीडियो को आज आप कंप्लीट देख लो। अगर ट्रिक काम करती है तभी आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, 100% करता हूं दोस्तों। अगर आपने इसे दिल से यूज कर लिया ना, अगर आपने इसका ये जो काम मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने इसे स्टेप बाय स्टेप हर रोज अगर आप इसको टाइम दोगे ना, 100% कहता हूं आपका चैनल ग्रो होगा, आपके चैनल पे भर भर के व्यूज भी आएगा, चैनल पे सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा और हर एक चीज जेन्युइन होगा, यूट्यूब से ही आपके मिलेगा, आपको कोई भी अदर ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को बस आप कंप्लीट देखते रहे, वीडियो को स्किप मत करेगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए यहां पर आपको कहीं नहीं आना है, जो आपका यूट्यूब है आपको अपने यूट्यूब पर ही आना है। तो आपको अपने यूट्यूब पर क्लिक करना है, उसके बाद यहां पर आपको अपने सर्च बॉक्स पर क्लिक करना है, क्या सर्च करना है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए यहां पर आपको लिखना हैशटैग के बाद आर्क्स, ठीक है, हैशटैग आर्क्स Q&A, ठीक है। अब देखिए अब आगे आपको क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए हमारी जो वीडियो सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो इस कैटेगरी में सबसे बड़ा क्रिएटर कौन है, मनोज दे, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी वीडियो जिस कैटेगरी पर है तो उस कैटेगरी में सबसे बड़ा क्रिएटर कौन सा है, आपको उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए मैं मनोज दे का नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मनोज दे लिखा और इतना लिख के मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ पर आप देखिए कल मनोज दे ने एक Q&A वीडियो अपलोड करी थी, तो मैं इस वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है तो मैं इसे पॉज कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इनके कमेंट सेक्शन में आना है, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और अभी यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको टॉप पे दिख रहा है, ठीक है, तो इसे आपको निवेश पे क्लिक कर देना है। अब जितने भी यहाँ पर जो अभी निवेश के जो कमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे कमेंट देखने को मिल जाते हैं, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जब यूट्यूब की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक हो गया है, वीडियो वायरल नहीं जाता है और शॉर्ट फीड में भी नहीं जाता है तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, इनको रिप्लाई करना है, ठीक है। इसके लिए आपको इनके कमेंट पर क्लिक करना है और उसके बाद इनको यहाँ पर कुछ मैसेज लिखना है। अब मैसेज कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको लिखना है वॉच दिस वीडियो ऑन, उसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन करना है या फिर आप हैशटैग भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखें जैसे आपका चैनल का जो भी नेम है आपको वो लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का नेम है KK News By, ठीक है, तो यहाँ पर मैं KK News By लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा कि ये बंदा जब अपने रिप्लाई सेक्शन में आएगा और आपके कमेंट को देखेगा तो ये आपके चैनल पे विजिट करेगा, जिससे आपकी वीडियोस को देखेगा और आपके वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब भी करेगा अगर इससे आपकी वीडियो अच्छी लगी। बट आपको क्या करना है, अगर आपने इसे अपने चैनल पर बुलाया है तो इस पर आपको एक वीडियो भी बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जैसे आप इनके कमेंट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन पर आपको एक वीडियो बना देना है, ठीक है। उसके बाद इनके कमेंट सेक्शन में आपको जाना है, इनको रिप्लाई करना है कि आप मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो देख लें। तो इससे क्या होगा, आपके चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे, आपके वीडियोस को देखेंगे, जिससे आपको भर भर की व्यूज मिलेगा प्लस आपको सब्सक्राइबर भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो इतना काम आपका हो जाता है, ठीक है। ये तो बात होगी कि आपको इस तरीके से सब्सक्राइबर व्यूज मिलेगा, ठीक है। एक दूसरा आपको काम और करना है, वो कौन सा काम करना है चलिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसके लिए यहां से आपको बैक करना होगा और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने YT स्टूडियो में आना है, ठीक है। YT स्टूडियो आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आप जिस वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं उसके एडिट सेक्शन पे क्लिक करना है, फिर से एडिट पे क्लिक करना है और कस्टम थंबनेल पे आपको क्लिक करना है। और इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में थंबनेल डाउनलोड करना बताया था कि कैसे आप एक एट्रैक्टिव थंबनेल डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आपको इस वीडियो को देखना है और आपको उस थंबनेल पे क्लिक करना है और डन पे क्लिक करना है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है। आपको फायदा ये होगा कि अगर आपको एक क्लिकेबल थंबनेल बनाना नहीं आता है तो जिस तरीके से मैंने आपको डाउनलोड करना बताया है, इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप दे सकते हैं। अगर इस तरीके से आप जो थंबनेल्स को डाउनलोड करते हैं तो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आएगा, जिससे आपकी वीडियोस पर भर भर के व्यूज भी आएगी, आपकी वीडियोस वायरल भी होगी और आपके सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जाइए इस तरीके का यूज करिए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।